हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सबको जुले नमस्ते, टच द लेग, सत श्री अकाल एंड सलाम। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल की ओर पैदल, और बहुत बर्फबारी भी हो रही है आज, तो ठंड भी बहुत है गाइस। देखिए तो अभी मैं टोकता में पहुंचने वाला हूँ। ये देखिए गाइस, बर्फबारी बहुत हो रहे हैं, ठंड भी बहुत है। ये देखिए, तो बहुत ठंड है गाइस। जो पैदल चल के लगभग 20 मिनट हो गए हैं, अभी भी मुझे स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट चलना बाकी है। देखिए गाइस, तो मेरे पास अपना पर्सनल गाड़ी नहीं है ना इस वक्त। अभी मेरा गाड़ी में थोड़ा खराबी है, इसीलिए वो अभी चलाने के लायक नहीं है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ उसको बनाने को जल्दी जल्द। तो यहाँ पे अभी इस वक्त मैकेनिक भी नहीं है, इसीलिए मैं मैकेनिक का इंतज़ार करके बैठा हूँ। ये देखिए गाइस, तो कितने बर्फबारी हो रहे हैं, फिर भी अभी भी मैं पैदल ही चल रहा हूँ स्कूल की ओर। अभी पहुँचने में फिर 15 मिनट से भी ज़्यादा लग सकते हैं, बर्फ बहुत हो रहे हैं अभी इस वक्त। देखिए गाइस, आप लोग देख सकते हैं, तो मैं अभी ऐसे चल रहा हूँ ना, सीधा आ रहा है मेरे चेहरे पे। ये देखिए गाइस, बहुत ठंड है, ठंड। ये देखो गाइस, आज बर्फ पूरी तरह पिघला हुआ है, और मैं अभी जा रहा हूँ। इट्स टू हार्श व्हेन यू हैव नो व्हीकल। ये देखो गाइस, बहुत मुश्किल है। गाइस गुड मॉर्निंग, ये देखिए बाहर का नज़ारा। ओ अगेन इतना सारा बर्फ पड़ा है। तो कुछ इस तरह है सुबह का नज़ारा, कल रात को बर्फबारी हुई और ये है नज़ारा मेरे रूम। ये नज़ारा कुछ इस तरह है, ये देखिए बादल, धूप निकलने ही वाले हैं। और ये देखो कल रात को ये हुई बर्फबारी। ये देखिए गाइस, ये देखो पेड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए बर्फबारी। तो ये देखिए नज़ारा कितना बढ़िया है नज़ारा। देखिए गाइस, तो ये है नज़ारा आफ्टर फ्रेश स्नोफॉल के बाद। कल रात को थोड़ा बर्फबारी हुए हैं, और ये है बर्फबारी के बाद नज़ारा। ये देखिए गाइस, ये देखिए कुछ इस तरह है नज़ारा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सबको जुले नमस्ते, टच द लेक, सत श्री अकाल एंड सलाम टू ऑल आवर लवली सब्सक्राइबर। स्कूल में छुट्टी हो गए हैं अभी, और मैं जा रहा हूँ घर की ओर। यहाँ से आतिंग तक तो मैं पैदल जा रहा हूँ, टंकर टू आतिंग। उसके बाद वहाँ पे और कोई सर है, उनके गाड़ी में जाना है मुझे वापस घर के लिए। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ टोकता की ब्रिज में। देखिए ये है टोकता का ब्रिज, जहाँ से टंकर और जोंगुल मोनेस्ट्री के लिए जाते हैं। ये देखिए गाइस,
ये है टोकटा विलेज का नज़ारा। तो देखिए ये है टोकटा विलेज, यहाँ पे कोई 10-12 घर हैं। ये देखिए जी, बगल में टोकटा का स्कूल है, वो जो ग्रीन रंग का छप्पर दिखाई दे रहे हैं वो वाला। तो मेरा स्कूल टोकटा से भी बहुत जाना है और 10-15 मीटर की दूरी में। अभी फिर से थोड़ा थोड़ा बर्फबारी स्टार्ट हो गए हैं और मैं तो अभी पैदल ही चल रहा हूँ आई थिंक। और ये देखिए गाइस, आसमान पूरी तरह बदल गए हैं। देखो एक स्तूपा है, उसको कोरा लगा के चलते हैं। मानीपत में हूँ, इसको कोरा लगा के जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, मानीपत में हूँ, दिखा दे तो मैं अभी भी आई थिंक जंपा की ओर बढ़ रहा हूँ। मुझे लगभग पैदल चल के आधा घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं और मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाला हूँ। देखिए गाइस, तो कुछ इस तरह है नज़ारा। ये देखिए जी, मौसम पूरी तरह बदल गए हैं और थोड़ा थोड़ा बर्फबारी भी हो रही है। ये देखिए गाइस, बर्फबारी हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। और ठंड भी बहुत है जी। तो मैं चल रहा हूँ अभी आई थिंक जंपा के पास, वहाँ पे आएंगे मुझे सर पिक करने। तो मैं अभी आई थिंक जंपा की ओर ही चल रहा हूँ। ये देखिए गाइस, बहुत ठंड है, मौसम पूरी तरह ठंड हो गई है अचानक। इट्स रियली सो कोल्ड। तो मैं आई थिंक जंपा पहुंच गया हूँ। ये देखिए जी, फाइनली आई रीच आई थिंक ब्रिज। सो आई एम वेटिंग देयर फॉर माई व्हीकल। मुझे लगभग अपने स्कूल से आई थिंक जंपा तक 45 मिनट लगे हैं, 45 मिनट्स। ये देखिए गाइस, 45 मिनट्स पैदल चलता होगा मुझे स्कूल के लिए। ये देखिए गाइस, ये देखिए मौसम का हाल ये है अभी इस वक्त। ये देखिए गाइस, यहाँ देखो पूरी तरह धुंधला हो गए हैं और आई थिंक विलेज का नज़ारा भी दिखाई नहीं दे रहे हैं सही ढंग से। ये देखिए गाइस क्या कर रहे हैं, कुरकुरे का मज़ा लेते हुए सीरियल देख रहे हैं। सीरियल, ये देखिए सीरियल देख रहे हैं कुरकुरे का मज़ा लेते हुए। ये देखिए, तो ये गाय का देखो बच्चा। ये देखिए ये कितने शरारती कर रहा है। ये देखो कितना शरारती कर रहा है।